इतने कबीरदास ने मोक्ष की मूर्ति अर्थात विद्युत का वर्णन किया है कि कौन सी तारा ना है क्लिप दिन क्वात दूर भिन्ना कबीर मोती की बजाय सुन चित्ता जमा कबीरदास जी कहते हैं कौन चित्ता जमा माने ब्रह्म आनंद में कौन लोक में कौन चित्ता का होगा ब्रह्म आनंद में कौन लोक में तारा ना है तारा नहीं है बिना कीर्ति का है बिना स्वाति नक्षत्र का बोध भी नहीं है। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि मोती बजे मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोती का मतलब लेते हैं पानी हिटर हिमरा हिमर जब जीवात्मा परमात्मा में जीवी हो जाती है तो जीवात्मा और परमात्मा के का काम का वर्णन करते हुए कभी कभी कहते हैं पानी ही तो नहीं बना पानी से ही बर्फ बना है। हिमवर बनाता जब बर्फ गीली होता है तो जो कुछ था जो कुछ उसका प्राकृतिक उसका जो पूर्ण रूप था वही बना वही बना अब कुछ कागजा अब कुछ इसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। पानी ही तो पानी का मतलब परम तत्व मूल तत्व के हिम भया मैंने जीव की उत्पत्ति हुई। हिमवर बनाता जब जीव गीली होता है तो जो रूप था जीव का जो पहला प्राकृतिक रूप था परमात्मा का कोई भया वही हुआ अब कुछ काम मिला अब कुछ उसके विषय में काम नहीं जा सकता है। पंख उड़ाई गगन को व्यंत रहा पड़ने पानी दिया तो जीवन भूल गया जैसे कभी कभी आदमी कहते हैं कि यह जीवात्मा रूपी पक्षी पंखी का मतलब जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ाई गगन को ऊपर के पूरे उठ जो इसका इजला रूपी तरी है संसार रूपी प्रदेश में रह गया पानी किया चंद जो जीवात्मा रूपी पक्षी है चंच के बिना चोच के बिना इंद्र के बिना ब्रह्म आनंद का पान कर लिया अब भूल गया हो गए कि अभी संसार रूपी देश है उसके आगे भूल गया इंद्रिया प्रेम प्रकाश किया अंतर भया हो गया मुख कस्तूरी ममरी पानी कभी कभी दास जी कहते हैं जब बाधक के प्रवृत्ति के अंदर प्रभु के प्रेम का प्रकाश उदय हुआ इंद्रिया प्रेम प्रकाश किया इंद्रिया माने इंद्रा से जब बाधक के कवि में प्रभु के प्रेम का प्रकाश उदय हुआ तो अंतर भया होगा उसके हृदय के भीतर ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया अमुख कस्तूरी मरे जो उसका मुख है वह कस्तूरी मां से मां पूछा और बारी पूरी बात जो उसके अंदर से बारी गई वह सुगंधित थी।